alaykum students, seventh class. Today we are going to study Unit number eight of your book. and this is Lincoln's letter to his son's teacher. Before we go to the details of this lesson, we should have a look about the life of Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was born in 1809. He obtained honorary degrees from Knox College, Columbia. And he was a Republican and became the 16th president of USA. He had four children and he died in 1865 in Washington DC. Now we'll start reading. This is on page number 89 of your book. Abraham Lincoln was the 16th President of the United States of America, 1861 to 1865. Abraham Lincoln, muttahidha riyasat hai Amerika ka tha, jo 1861 so se 1865 so tak He is counted among the greatest orators and statesmen of the world. वो दुनिया के बेहतरीन मकर और सियासतदानों में गिना जाता है दिस इज़ द लेटर ही हीरो द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल वेयर हिज सन वस्टारिंग ये एक स्कूल के हेड मास्टर के नाम एक ख़त है जहाँ पर उसका बेटा पढ़ा करता था ही विल हैव टू लर्न आई नो दैट ऑल मेन आर नॉट जस्ट ऑल मैन आर not ट्रू उसे सीखना होगा मुझे पता है कि तमाम आदमी इंसाफ पसंद नहीं होते और ना ही तमाम आदमी सच्चे होते हैं बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्कैंडल देर इज़ अ हीरो लेकिन उसे सिखाओ कि हर बदमाश के लिए एक हीरो भी होता है देट फॉर एवरी सेल्फिश पोलिटिशन देर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर कि हर खुद गर्स सियासतदान के लिए एक अच्छा साफ़ नीयत और मोहब्बत के जज्बे से सरशार लीडर भी होता है टीचिंग फॉर एवरी एनीमी देर इज़ अ फ्रेंड उसे सिखाओ कि हर दुश्मन के लिए एक दोस्त भी होता है इट विल टेक टाइम आई नो बट टीच him इफ़ यू कैन that अ डॉलर earned इज़ of फार मोर वैल्यू than फाइव फाउंड मुझे पता है कि इसमें वक्त लगेगा लेकिन उसे सिखाओ अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो उसे सिखाओ क्या कि एक डॉलर जो कमाया जाए वो कहीं ज़्यादा बेहतर है उन पाँच डॉलर से जो मिल गए हों यहाँ पर क्या मकसद है इसके कहने का कि वो पाँच डॉलर्स जो बगैर कमाए बग़ैर मेहनत किए मिल गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर वो एक डॉलर है जो ख़ुद अपनी मेहनत से कमाया गया हो टीच हिम टू लर्न टू लूज़ एंड ऑल्सो इन्जॉय विनिंग उसे हारना भी सिखाओ और उसे जीत का मज़ा लेना भी सिखाओ स्टीयर हिम अवे फ्राम एनवाई इफ़ यू कैन और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो उसे हजसद से दूर रहना सिखाओ टीच हिम दीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर उसे खामोश हंसी का रास बताओ लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज़ आर द ईजिएस्ट लिख उसे सिखाओ कि गुंडा गर्दी करना बहुत आसान है टीच हिम इफ़ यू कैन द वडर ऑफ़ बक्स अगर तुम उसे सिखा सकते हो तो उसे किताबों के अजायबा के बारे में सिखाओ इसका कहने का मकसद ये है कि उसे बताओ कि किताबें कितनी बेश चीज़ें हैं किताबें कितनी अहम हैं और कितने उसमें इल्म के खजाने छुपे होते हैं बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई बीज इन सन इन द फ्लार्स ऑन अ ग्रीन हिल साइड लेकिन उसे काफ़ी वक्त दो कि वो सोच विचार करे कि आसमान पर परिंदों की जो अबदी राज है उसमें और जो सूरज में शहद की मक्खियां हैं और जो सब्ज़ पहाड़ी पर है, वो उनके बारे में सोचे ग़ौर फिक्र करे इन स्कूल टीचिंग इट्स फार मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट स्कूल में उसे सिखाओ कि फेल हो जाना कहीं ज़्यादा बेहतर है धोखा देने से यानी कि धोखे से कामयाब होना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि इंसान फ़ेल हो जाए वजह इसके कि वो शर्मिंदगी उठाए टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज़ इवन इफ एवरी वन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग उसे सिखाओ कि वो अपने ख्याल पे अपने गुमान पे यकीन रखे यानी अपने ख्याल हो अपने अफकार पर मुकम्मल यकीन रखे अगरचे हर कोई उससे कह रहा हो कि वो गलत है, टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल एंड रफ विद रफ उसे सिखाओ कि वो अच्छे लोगों के साथ शरीफ लोगों के, के साथ शरीफ रहे और दुरुस्त लोगों के साथ दुरुस्त रहे यानी जो सख्त लोग हैं उनके साथ वो सख्त रहे ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड एन एवरी वन इज़ द बैंड वैगन और मेरे बेटे को ये भी सिखाओ कि वो खाम ख़वा हा हजूम के पीछे न लग जाए जहाँ हर कोई मकबूल रुझान के पीछे जा रहा हो यानी ये नहीं है कि एक ही रिवाज और एक ही फैशन के पीछे जहाँ सारी दुनिया जा रही हो मेरा बेटा भी बगैर सोचे समझे उसके पीछे चल पड़े ऐसा ना हो यानी कि उसकी अपनी सोच हो अपना गुमान हो अपने उसके बारे में ख़यालत हों और वो सोच समझ से गौर व फिक्र करके अच्छे चीज़ को चुने और उसके पीछे जाए टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन उसे सिखाओ कि वो सबको सुने बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल ही हियर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ ट्रूथ लेकिन उसे ये भी सिखाओ कि उस वो सब कुछ जो वो सुने उसको सच के पर्दे से छाने एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू और उसमें से सिर्फ वो चीज़ ले जो कि अच्छी हो टीच हिम इफ़ यू कैन हाउ टू लाव वन ही इज़ सैड उसे सिखाओ कि जब वो गमगीन हो तो हंसे कैसे यानी कि उसे गम गम के गम में हंसना सिखाओ टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स उसे सिखाओ कि आंसुओं में कोई शर्मिंदगी नहीं है टीच हिम टू स्कॉफ एट सैनिक्स एंड टू बी वेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस उसे सिखाओ कि वो नाकदीन पर तंज करे यानी कि साइनिक्स पर वो लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा नाक़द होते हैं या तनखीद करते हैं या ख़्वा दूसरों पर नुकतः चीनी करते हैं वो उनको अच्छी तरह से जान ले समझ ले और उस उन पर तंस करें या मज़ाक करें और बहुत ज़्यादा स्वीटनेस के करीब ना जाए यानी बहुत ज़्यादा स्वीटनेस से मुराद क्या है कि खुश लोगों से दूर रहे वो जो फ्लैटर्स होते हैं जो दूसरों की चापलूसी करते हैं अपने मक़सद के लिए उन लोगों से वो दूर रहे टीच हिम टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाइस्ट बिडर्स उसे सिखाओ कि वो अपनी ताकत और दिमाग ज़्यादा बोली लगाने वालों को दे बट नेवर टू पुट अ प्राइज़ टैग ऑन हिज़ हार्ट एंड सोल लेकिन उसे ये भी सिखाओ कि वो अपनी दिल और रूह की कीमत ना लगाए टीच हिम टू लूज टू क्लोज हिज ईयर्स टू अ हॉलिंग मॉप उसे सिखाओ कि वो अपने काम शोर मचाते हुए हजूम से बंद कर ले एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ थिंक्स ही इज राइट और अगर वो समझता है कि वो ठीक है वो सच पर है तो वो मुस्तकिल मिजाज बनकर खड़ा हो जाए और लड़े ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट करल हिम उसे प्यार से समझाओ शरीफाना तरीके से या नरमी से समझाना लेकिन उसे बहुत ज़्यादा प्यार न करना बिकॉज़ ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील क्योंकि आग का टेस्ट ही उमदा स्टील बनाता है वो जैसे हमारी मिसाल नहीं बनी हुई उर्दू में हम कहते हैं कि सोना आग में तप कर कुंदन बन जाता है यानी कि सोने को ज़्यादा खालिश बनाने के लिए ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है यहाँ पर भी वो यही मिसाल दे रहा है कि स्टील ज़्यादा उम्दा तभी बनेगा जब वो आग में डलेगा लेट हिम हैव द टू बी एम पेशेंट उसे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि वो बेसब्रा हो लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और वो इतने सब्र में आ जाए कि वो अपना अपने, अपने आप को बहादुर शो कर सके टीच हिम ऑलवेज टू हैव सब्लाइम ब्लाइम फेथ इन हिमसेल्फ, उसे सिखाओ कि वो अपने आप पर मुकम्मल यकीन रखे, बिकॉज देन ही विल हैव स फेथ इन मैन काइंड क्योंकि इसी सूरत में ही वो तमाम बनी इंसान पर यकीन करेगा दिस इज़ अ बिग ऑर्डर बट सी वट यू कैन डू ये एक बड़ा हुक्म है लेकिन देखो तुम क्या कर सकते हो ही इज़ सच अ फाइन फेलो माई सन और मेरा बेटा बहुत ही अच्छा साथी है यानी उसके कहने का मकसद है कि वो तुम्हारी तमाम बातें समझ जाएगा बहुत समझदार है या बहुत अच्छा है इट वॉज़ वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस येयर इन दिस लेटर आई होप यू वुड हैव इन्जॉय इट नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइजिस ऑफ दिस यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू विकेबरी आइटम्स वेयर देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर यू आई हैव रिटन देयर मीनिंग्स एज वेल इनकी मीनिंग्स मैं आपको उर्दू में भी बता चुकी हूँ लेकिन अभी भी मैं बताऊँगी सो बी एटेंटिव एंड लिसन केयरफुली फर्स्ट वर्ड इज स्काउंड्रल अ प परसन हु ट्रीट्स अदर्स बैडली स्काउंड्रल जिसको उर्दू में हम बदमाश कहते हैं यानी वो बंदा जो दूसरों से बुरी तरह से पेश आता है डेडिकेटेड सिंसियर ड्यूटीफुल ठीक है सच्चाई के जज्बे से ड्यूटीफुल जो सही ईमानदारी के साथ काम करने वाला हो स्टीयर कीप अवे फ्रॉम से दूर रहना फीलिंग ऑफ वॉन्टिंग टू बी इन सेम पोजिशन एनवाई मीन्स हसद करना या दूसरे मीनिंग्स में रश करना बुली अ पर्सन हु हिज स्ट्रेंथ टू हार्ड वीकर पीपल वो शख्स जो कमज़ोर लोगों को तकलीफ देता है यानी अपनी ताकत का मुजाहरा करता है पॉन्डर टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली सोच विचार करना गौर व फिक्र करना इटरनल लॉन्ग लास्टिंग फॉर एवर यानी कि हमेशा रहने वाला या कि अब दी ब्रॉन फिजिकल स्ट्रेंथ जिसमानी क़ुत कडल होल्ड सम वन क्लोज टू शो जताने के लिए किसी को गले से लगाना या किसी को पकड़ना साइनिक पीपल हु डोंट बिलीव समथिंग गुड विल हैपन टू दैम वो लोग जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि उनके साथ अच्छा नहीं होगा यानी कि खुशक मिजाज लोग या दूसरे मीनिंग्स में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पैसे ठीक है जो कि वो लोग जो कि कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखते हॉलिंग वेरी फेयर्स विद स्ट्रॉग वेंस ज़ोरदार किस्म का ख़ास तौर तो पर जैसे हवाएँ ज़ोरदार चलती हैं स्कॉफ़ शॉक इन अ वे दैट अदर्स आर स्टूपट इस तरह से बात करना जैसे कि दूसरे बेवकूफ़ हैं यानी कि दूसरों का मजाक उड़ाने वाले नाउ हेयर आर समर्ड्स एंड यू हैव टू यूज़ दैम इन योर ओन सेंटेंसेस आई हैव मेड सम सिंपल सेंटेंसिज फॉर यू नंबर वन एज़ इटर एज आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड Eternal means forever or long lasting. I've made a sentence nothing is eternal in this worldly life. Next word is sublime. Demetrius calls his statues sublime. Right? Sublime means in a very excellent manner. Ponder. <coughs> राइट पॉन्डर पौंडर विचार करना सोचना फॉर आर सिंग टू पॉन्डर द मैटर ऑफ हर प्रॉपर्टी फिल्टर छानना यानी कि कुछ तलाश बीच में से कर लेना वाटर शुड बी बॉइल्ड और फिल्टर्ड बिफोर यूज ये कहते हैं ना पानी फिल्टर करना दिस इज़ द सेम फिल्टर बीच में से छान लेना ऑनरेबल इज्जत ठीक है इज्जत के काबिल

to his son's headmaster to teach him to develop various traits of a good and balanced personality in the life he expects the teacher to impart values of life and foundation of character building of his son clear question number 2 is why do you think it's honorable to fail rather than to cheat यानी आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा बाइज़त है फेल हो जाना बनस्बत धोखा दही के यानी कि धोखा देने से ज़्यादा बेहतर है कि इंसान फ़ेल हो जाए तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है एंड वी से इन माय ओपिनियन चीटिंग इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ स्टीलिंग बिकॉज़ वी आर टेकिंग सम Else work and calling it own. Cheating is the same as lying and stealing. It causes stress and unfair to hard-working students. It's disrespectful and kills trust and leads to failure. So it's honorable to fail rather than to cheat. Question number three is: वाई शूड वन बी अवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस स्वीटनेस से मुराद यहाँ पर मीठापन या मिठाई नहीं है स्वीटनेस मीन्स खुशामद है या चापलूसी है ठीक है तो आप क्या समझते हैं यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा खुश आमद से क्यों होशियार रहना चाहिए एंड द आंसर इज़ one should be aware of too much sweetness and keep distance from those who are flatterers. flatterers are the people who do flattery. right? flatterers. a flatterer is a person who does flattery or who is false. that person is called flatterer. द फ्लैटर्स शो टू मच स्वीटनेस एंड दे माइट बी सेल्फिश इनसाइट एंड कैन कॉज हम फ्लैटर्स जो होते हैं वो स्वीटनेस शो करते हैं लेकिन हो सकता है कि अंदर से वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं इसकी वजह से वो झूठी तारीफें कर रहे हो क्लियर स्टूडेंट्स There are some more questions in this exercise, but I think for today it's Anna for you. So go through this unit once again, read the vocabulary items, words, meanings, and sentences, then you will be able to understand it well. Right? And in the next lecture, we'll Move towards the more questions of this unit. Till then, stay safe and take care of yourself. Allah is.